दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने पंजाब दौरे के दौरान आज शाम जलंधर पहुंचे, जहां उन्होंने डेरा बल्ला जाकर शीश निभाया। उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहां पहुंचने पर सुरक्षा के मद्देनजर उनकी गाड़ी सीधी डेरे के अंदर गई और डेरे के गेट को बंद कर दिया गया। कुछ समय डेरे में रहने के बाद वे वहां से कपूरथला के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने संत बलबीर सिंह सिंचेवाल से मुलाकात करनी है। डेरे ने इस मौके पर कहा कि यह एक धार्मिक जगह है और जहां कोई भी माथा टेकने आ सकता है। केजरीवाल के डेरे आने में कोई राजनीति नहीं है, वो भी अन्य लोगों की तरह यहाँ मत्था टेकने आए हैं और माथा टेक कर चले गए हैं। देखिए, उनकी मंशा क्या है, उनके दिल में क्या है, ये तो नहीं हम कह सकते। जो हमारे या जो हमारे जहाँ कोई आता है, अतिथि आता है, उनका हम आदर करते हैं। हम तो सभी का आदर करते हैं, सभी का मान सम्मान करते हैं। जो भी अतिथि आएगा, उनके क्या मन में है, वो क्या धारणा लेकर आते हैं, उसके बारे तो वो ही बता सकते हैं ना। लेकिन डेरे का क्या निरोल धार्मिक है या सियासत से कुछ? हाँ, हमारा डेरा निरोल धार्मिक है और इसमें सभी देशों से और इंडिया के प्रदेश से जितने भी है, सारी संगत आती है। बहुत तादाद में है, लाखों में लोग इकट्ठे होते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसमें धार्मिक के सिवा कुछ और राजनीतिक कुछ कोई नहीं होता, कोई राजनीतिक नहीं। जलंधर से आज आरटीवी न्यूज के लिए विक्की कंबोज की रिपोर्ट।